फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर बड़ी खबर है। आपको बता दूं, पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज सरकार एक और अध्यादेश लाई है। आप कहेंगे कैसे, और उस अध्यादेश यानी उस अध्यादेश के बाद नया परिसीमन होगा और नए परिसीमन के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। क्या है ये नया परिसीमन और क्या अध्यादेश और किस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर जुड़ी ये खबर बड़ी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान है कांग्रेस और सरकार के बीच में पंचायत चुनाव को लेकर, वो अभी भी नजर आ रहा है। दरअसल हुआ ये कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आपको पता ही है कि शुरू हो गई थी प्रथम चरण से लेकर दूसरे चरण तक की, लेकिन मामला कोर्ट तक भी गया। उसके बाद शिवराज सरकार ने अपना अध्यादेश वापस लिया जो आरक्षण को लेकर था। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रद्द कर दिया। अब हुआ ये कि जब आयोग ने रद्द किया तो वो परिसीमन फिर से लागू हो गया जो कमलनाथ सरकार के वक्त किया गया था, यानी 2019 में, यानी उस परिसीमन के आधार पर जो सीटें आरक्षित की गई थी वो फिर से वजूद में आ गया था। आपको ये बता दूं कि 2019 में कमलनाथ सरकार के वक्त परिसीमन हुआ था, उसके मुताबिक ये व्यवस्था की गई थी। उसके साथ ही 1227 जो नई पंचायतें हैं वो वजूद में आ गई थी उस वक्त के परिसीमन के आधार पर। लेकिन अब शिवराज सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद एक नया अध्यादेश जारी किया है, जिसे विधि विभाग ने अध्यादेश जो है उसकी अधिसूचना जारी की है राज्यपाल से मंजूरी के बाद, जिसके तहत अब ये होगा कि अब नए सिरे से जो है ना जिला पंचायत हो, वार्ड हो, जनपद पंचायत के वार्ड हो, उनका परिसीमन किया जाएगा, वार्डों का विभाजन किया जाएगा, जिसके आधार पर फिर वो व्यवस्था होगी कौन सी सीट से किस तरीके का आरक्षण होगा। तो यही वजह है कि ये अध्यादेश लाकर एक बार फिर से जो कमलनाथ सरकार के वक्त का परिसीमन था वो अब फिर से निरस्त हो गया, यानी कि नए परिसीमन के हिसाब से अब पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 1227 जैसा मैंने आपको बताया नई पंचायतें उस परिसीमन के आधार पर वजूद में आ गई थी। हालांकि इन सबके बीच में एक चीज और दिलचस्प भी हुई है, जिसको बताया जा रहा है कि सरकार को करोड़ों का फायदा हो गया। उम्मीदवारों ने तो अपने खर्च कर ही दिए, 2,17,000 करीब उम्मीदवार थे जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था पहले और दूसरे चरण के लिए। उन्होंने दरअसल नो ड्यूज बनवाए थे। वो नो ड्यूज ये थे कि कोई भी उम्मीदवार जो है अगर वो उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करता है तो उसे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे उसके पंचायत टैक्स का हो, चाहे उसके बिजली बिल बकाया का हो। तो वो टैक्स लोगों ने चुकाए जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई, यानी कि सरकार को फायदा भी उस दौरान। हालांकि उम्मीदवार जो है उनके लिए बड़ा झटका था कि पूरी तैयारी के बाद चुनाव रद्द हो गए। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर सरकार का ये अध्यादेश जो है जिसके हिसाब से अब नए परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे, यानी कि जो बात मैंने आपको बताई कि जिला हो, जनपद पंचायत हो, उनके वार्डों का विभाजन या परिसीमन नए सिरे से होगा, उसके आधार पर चुनाव होंगे। आप देखते रहे एमपी तक।